वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। जिस तरह को थानू दस्या कि रसोई दे विच अपने कई प्रोडक्ट पाए आ, रसोई किसी भी पई चीज़ नू तुसी पैक करके थोड़ा मॉडिफाइड रेडी करके तो आप उस नाल बिजनेस कर सकते हैं। अज आप डिस्कस करते हैं कि प्याज का काम असी किस तरह चला सकते हैं। अजकल फ्राइड ओनियन का बिजनेस बहुत ही काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, अजे न्यू स्टार्ट होया, इस विच कॉम्पीटिशन भी बहुत घट आ। आप इस साल जो शुरू कर दें तो अगले साल तक आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। जिस तरह तुसी स्क्रीन दे विच देख रहे हो, इस तरह सब तो पहला आप प्याजा लैना है, छिल के उन्होंने चंगी तरह धो लेना है। ये प्याज बिरयानी कोरमा कढ़ी का स्वाद डबल कर देंगे हैं। बिरयानी में ज़्यादातर मात्रा च पाया जाता है। थानू पता ही है कि अजकल फैमलियां बहुत छोटी छोटिया रह गई, जिस विच कि हसबेंड वाइफ दोनों काम करते हैं, खाना बनाने का टाइम बहुत घट होता है। इस तरह उन्होंने परिवारों में रेडी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस करके इस प्रोडक्ट की सेल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह तुसी देख रहे हो कि इस पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस दे विच कट लेना है। कट करन तो आफ्टर फिर तुसी इसनों धुप्प विच थोड़ा टाइम लई सुका लेना है। धुप्प विच सुकाउण दा मतलब यह है कि जो थोड़ा पानी है थोड़ा सोस हो जाएगा, तो उस तो आफ्टर इहदे विच की है अपना टाइम भी घट लगता है, तो इहदे विच फिर ऑयल भी घट यूज़ हुंदा है। तो इन्हों आप क्रिस्पी बनाना है, इस विच असी बहुत वड्डा बिजनेस करना है। हाँ जी, इस विच थोड़ी जी मेहनत तो है पर कमाई भी बहुत है। देखो जी, मेहनत तो सानू हर काम विच ही करनी पैंदी है। ये बिजनेस नू लेडीज़ वधिया तरीके नाल कर सकदियां हन। शुरू विच तुसी इस नू रेडी करके अपने नाल दे घरां विच फ्रेंड सर्कल विच अपने रिश्तेदारां नू दे के अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह इनू फ्राई कर लेना है, अपने जो फ्लेम है वह तेज़ रखनी है, तेल तेज़ गर्म होया होना चाहिए आ, तो इसनों नाल नाल हिलाते रहना है ता कि सारे प्याज एक सार अपने फ्राई हो जाए। इन्हों डार्क ब्राउन तक करना है। तो जे मैं यदि कॉस्ट की गल करा भी आपको किस तरह यह प्याज आ, मैं 3 किलो प्याज ले आ, 20 रुपए किलो मैं मिले आ, फ्राई करन तो बाद 1 किलो रह गए आ, मतलब कि मैनू ये फ्राई किया हुआ प्याज 60 रुपए किलो प्याज आ। फ्राई करन लई 250 ग्राम ऑयल लग्या आ, 40 रुपए ऑयल, अज का रेट 160 रुपए लीटर आ, 60 + 40 जो आप करते हैं तो 100 रुपए का बन जाता है। सिलंडर है पाउच का लेबर अदर खर्चे जोड़े अपने वो 25 से 30 रुपए तुम रख सकते हैं। थोड़े एरिए रेट चल रहा उसकी कैलकुलेशन कर लेना, तो 100 + 30 करके 130 रुपए मैं ये रेडी हो गया। 1 किलो बचों मेरे 40 पाउच बने आ, इनू इस तरह तुम अपना सील कर लेना है। तो 40 पाउच 1 पाउच के मैं 25 ग्राम फिल किया हुआ आ, तो ये अपना जो पाउच है 10 रुपए में सेल हो जाना है। टोटल 40 पाउच बने से 10 रुपए ला के 400 रुपया का अपना यह सेल हो गया। 130 रुपए का रेडी हुआ से, 400 रुपए में आप सेल किया, 270 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया आ। जेकर तुसी हर रोज़ 10 किलो फ्राइड प्याज सेल कर दें तो दिन का 2700 रुपया, तो महीने का 81,000 रुपया बनता आ। ये तुसी अपना सेल बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट्स जां फिर जिथे कि थोड़े नज़दीक कोई पार्टीज़ है, कोई छोटे मोटे फंक्शन आ, तुसी उत्थे भी सेल कर दियो, ते अमेज़ॉन ते भी तुसी सेल कर दियो। अमेज़ॉन ते तुसी देखिया होगा जिहड़ा 100 ग्राम दा है 80 से लैके 150 रुपए तक ये सेल हुंदा आ। तो जिहड़ा अपना पाइया दा आ वो अपना ज़्यादा महंगा मंगदा है। जे किलो की मैं गल करा 400 से लैके 800 रुपए तक यह किलो सेल हो रहा आ, तुसी उहदे उत्ते भी सेल अपना कर सकते हैं। इस तरह अपनी वधिया सेल हो सकती है। फिर हिम्मत करनी पैनी है, अपना उठना पैना है। जे एक बार उठ के आप तुर पे तो आप बहुत वड्डा इहदे विच बेनीफिट हो सकता है। सो के नैक्सट वीडियो किसी होर प्रोडक्ट के नाल आके थानू फिर मिलांगे जी। थैंक यू।